नमस्कार दोस्तों, तकरीबन 145 साल पुराना हमारा पाताल पानी से जो कालाकुंड का सेक्शन है उसको हेरिटेज के रूप में प्रिसर्व रखा जा सकता, हमने कुछ दिन पूर्व इसके बाबत आपको जानकारी दी थी। राज्य सरकार और रेलवे दोनों अपने सहयोग से पाताल पानी से कालाकुंड सेक्शन को विकसित करने वाले हैं तथा यहां पर आने वाले दिनों में पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ चलाई जाएंगी तथा 31 जनवरी 2023 को इस सेक्शन के बंद होने के बाद में कालाकुंड स्टेशन की क्या हालात है उसको दिखाते हुए हमारे मित्र श्री विशाल शेलके जी के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, उसका आप अवलोकन करिए। आने वाले समय में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच में हेरिटेज ट्रेन संचालन की पूरी संभावना है। इससे जो यह मीटर गेज का एकमात्र सेक्शन बचा हुआ मध्य प्रदेश का, उसको संरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलेगी ताकि आने वाली पीढ़ी इसको देख सके। ये मार्ग है कालाकुंड स्टेशन और कालाकुंड गांव और आसपास के गांवों तक जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह का रोड है, ये पूरी घाटी है और रोड तो पक्का है नहीं। एक दूसरा रोड है दोस्तों जो चोरल के पास से आता है, वो भी अभी बन रहा है, लगभग ऐसा ही है वो भी, पर वहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं तो ये रोड काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों। कालाकुंड स्टेशन आमान परिवर्तन के कारण बंद पड़ा है। एक समय था जब यहाँ स्टीम इंजन अपनी प्यास बुझाया करते थे, मतलब उनमें पानी भरा जाता था। रतलाम डिवीज़न का यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। यह एकमात्र स्टेशन है जहां चढ़ाई होने के कारण बैंकिंग पावर या बोलते हैं इंजन की हर एक ट्रेन के लिए आवश्यकता पड़ती है। यह स्टेशन चोरल घाटी के मध्य बना हुआ है, सभी ओर पहाड़ है और वर्षा ऋतु में पूरी हरियाली मन मोह लेती है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई कलाकंद जो यहीं पर बनाया जाता था, जिसे सभी यात्री खाने के साथ अपने परिवार के लिए भी खरीद कर जरूर लेकर जाते थे। इस स्टेशन की इतनी खूबियाँ होने के बावजूद आज यह स्टेशन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। रेलवे ने यहाँ एक हेरिटेज ट्रेन चलाई थी जो अभी बंद है, भविष्य में देखते हैं वर्षा ऋतु में पुनः चालू होती है या नहीं। दोस्तों आपने देखा यहाँ पहुँचने का मार्ग कैसा है, इस रूट पर भी एक रेल बस चला देना चाहिए जिससे कालाकुंड व आसपास में निवासरत लोग उसका लाभ ले सकें, क्योंकि यहाँ के लोग बाजार हो या रोजगार पूर्ण रूप से महू पर ही निर्भर हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप कोच जिनमें रेस्ट हाउस बनाए गए थे रेलवे के द्वारा, जो पर्यटकों के लिए आज तक नहीं चालू किए गए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। ये है संग्रहालय जहाँ पर S&T डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ पुराने इक्विपमेंट रखे हुए हैं, संजोए गए हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं चोरल नदी का नज़ारा। दोस्तों देख सकते हैं आप, सब दूर सिर्फ सूखी पत्तियाँ ही पड़ी हुई है अभी। दोस्तों ये है चोरल नदी जो फिलहाल में पानी तो कम है इसमें, परंतु वर्षा ऋतु में ये बहुत ही अच्छी पूर जाती है। और ये जो पहाड़ सूखे देख रहे हैं आप, ये भी पूरे हरे भरे हो जाते हैं। और ये स्क्रैप मटेरियल के द्वारा कुछ बनाई गई कलाकृतियाँ जिन्हें पेंट वगैरह करके सजा कर रखा है। और दोस्तों ये है विश्राम गृह जहाँ पर खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है। और ये है सिग्नल विभाग की एलिवेटेड लीवर फ्रेम जहाँ से सिग्नल दिए जाते हैं।